नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। मनी प्लांट आपका बहुत ही बढ़िया तरह से चलेगा और उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होंगी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और एक बार लगाने के बाद कभी भी ख़राब नहीं होगा। मेरा ये प्लांट कई साल पुराना है और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो शिफ्टिंग के बावजूद भी ये प्लांट ख़राब नहीं हुआ। कोलकाता से हैदराबाद तक का सफ़र इसने तय किया और पिछले साल से अब तक तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। इसी प्लांट से कम 10 प्लांट बना लिए हैं अपनी बालकनी में। तो किस तरह से आपको मनी प्लांट का ध्यान रखना है और ये जो टाइम है मनी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आपको क्या क्या करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मनी प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, उसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी होंगी अगर आप जैसा मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वैसा आप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम है जो आपको डेली करना है और अगर आप एक बार से ज़्यादा बार कर पाएँ तो और भी अच्छा है, वो है स्प्रे करना। अपने मनी प्लांट के पौधों पर जितना आप स्प्रे करेंगे गर्मी के मौसम में उतना ही उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये आप बिल्कुल करते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तीन चार बार आप आराम से गर्मियों में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही गर्म दिन आने वाले हैं और आ ही गए हैं समझिए। तो ऐसी गर्मी में, गर्मी से बचाने के लिए पौधों को नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे आप जितना करेंगे उतना ही इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। जितनी भी आपके बास्केट्स में मनी प्लांट लगी हैं उन पर भी आप स्प्रे कीजिए। बास्केट में भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है, तो चाहे आप बास्केट में लगाइए या फिर मॉस स्टिक पर लगाइए। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं और सभी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, सभी की केयर करने का तरीका एक जैसा है। मनी प्लांट पर जब भी आप स्प्रे करते हैं तो इसकी जो मॉस स्टिक है उसको गीला करना बिल्कुल ना भूलें। इसको अच्छे से गीला करें, जितनी ये गीली रहेगी उतनी जो इसकी फीडर रूट्स हैं, जो भी नोड एरिया से निकलती हैं, उनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सबसे पहला टिप है और ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आप करते रहिए। मनी प्लांट ज़्यादा गर्मी में भी हमें बचानी होती है और ज़्यादा सर्दी में भी। तो अभी जैसे ज़्यादा गर्मी आएगी तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ अच्छी लाइट इसको मिलती रहे और थोड़ा ठंडक रहे। उसके लिए, ठंडक के लिए आप इस तरह से स्प्रे भी करेंगे दो तीन बार तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और इस मॉस स्टिक को गीला करने की वजह से नमी काफ़ी देर तक बनी रहेगी और जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो कितनी बड़ी बड़ी हो रही हैं। इसी के साथ साथ इसकी जो पत्तियां हैं वो भी बड़ी होती जाएंगी, क्योंकि जितनी बड़ी इसकी जो नोड एरिया से निकली हुई रूट्स होंगी उतनी ही पत्तियां बड़ी होंगी। तो देखिए मेरे पूरे हाथ से बड़ी इसकी पत्तियां हैं। तो इसी तरह से पत्तियां बड़ी होती हैं जब हम स्प्रे करते हैं और इसकी जो फीडर रूट्स हैं वो बड़ी होती हैं, तो बड़े बड़े पत्ते अपने आप ही होते जाते हैं मनी प्लांट के। इसके ऊपर के पत्ते छोटे निकलते हैं, जैसे जैसे इसकी जो फीडर रूट्स हैं वो बड़ी होती हैं तो अपने आप ही वो पत्ते बड़े होते जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दूसरा जो काम आपको करना है, अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ अभी नहीं हो रही है इस टाइम पर, आप उसमें खाद दीजिए। मार्च में और अगस्त सितंबर में आप दो बार इसमें खाद दीजिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हैं महीने डेढ़ महीने में। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आपको इसमें देनी चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो मिट्टी आप देखिए कितनी भुरभुरी है, इसमें बहुत सारे कैचुए भी बन गए हैं क्योंकि मिट्टी ये काफ़ी पुरानी है और मैं इसमें जो भी देती हूँ वर्मी कंपोस्ट देती हूँ, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी कैचवे हो गए हैं जिसकी वजह से और भी ज़्यादा पोरस इसकी मिट्टी हो गई है। तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छी खाद है जो कैचवों को बनाती है मिट्टी में, जिससे मिट्टी में एयर सर्कुलेशन होता रहता है और उसकी वजह से मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही अच्छी होती है। तो अभी मार्च अप्रैल में और एक बार आप अगस्त सितंबर में दो बार इसमें इस तरह से खाद डालिए। तो अभी मैं इसमें खाद डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसमें नहीं दिया है, 5-6 महीने पहले ही दिया था। खाद डालने के बाद मिट्टी में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें हर महीने डेढ़ महीने में दे सकते हैं, उससे इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट और अच्छी होगी।
लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए हमें 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 2 ml सीविड फर्टिलाइज़र डाल देना है। सीविड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो आप अपने इंडोर प्लांट्स में देंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है और मनी प्लांट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसको महीने में या फिर 40 दिन में अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बन गया है, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। काफ़ी टाइम चलता है, बहुत थोड़ा सा डलता है, इस तरह से आप अपने प्लांट में डाल दीजिए और बहुत जल्दी जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, महीने में 1.5 महीने में डालते रहिए या फिर 2 महीने में, बस इससे ज़्यादा जल्दी जल्दी इसको बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जितने भी इंडोर प्लांट्स में उनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको करिए और देखिए ये कटिंग्स हैं जो मैंने अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले लगाई हैं, तो सभी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो ये प्लांट कटिंग से भी बहुत ही अच्छी तरह से चलता है, आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा सकते हैं, एक एक पत्ते से ये चल जाता है, बस पत्ते के पीछे नोड एरिया होना चाहिए, वहीं से रूट्स निकल जाती हैं और हमारे बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके लिए वो है पानी। पानी आप इसमें तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी सूखे, ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता है और ग्रोथ भी कम करता है, पत्तियां भी इसकी ख़राब होने लगती हैं। तो एक ये भी कारण है कि ग्रोथ कम होती है, जब मिट्टी थोड़ा सूखे तभी आपको पानी देना है। वैसे तो अब गर्मी शुरू हो गई है तो बहुत ही जल्दी मिट्टी सूख जाती है, लेकिन सर्दियों में तो खासकर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पानी तभी दें जब मिट्टी सूखे। और इस तरह से इसकी मॉस स्टिक को 1-2 बार ज़रूर गीला करें ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और अभी तो गर्मी है तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई ओवर वाटरिंग हो जाएगी ज़्यादा स्प्रे करने से, सर्दियों में तो फिर भी ये प्रॉब्लम रहती है कि ज़्यादा पानी गिरने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर्दियों में भले ही स्प्रे कम करें लेकिन गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये जो आपको ज़रूर करनी है। अगर आप इस तरह से अपने मनी प्लांट का ध्यान रखते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी मनी प्लांट मेरे ही मनी प्लांट की तरह बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रोथ करेगी, सालों साल चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी, बड़े बड़े पत्ते होंगे और उसी से आप खूब सारे अपने प्लांट्स बना लेंगे मेरी तरह। मैंने इसके बहुत सारे प्लांट्स बना रखे हैं जो रूम में रखे हैं, कुछ बालकनी में बास्केट टंग रही हैं, ये सब कटिंग से ही बनाए हुए हैं। तो इसको अच्छे से बांधते जाएं मॉस स्टिक पर और देखिए इसकी जो रूट्स हैं कितनी लंबी लंबी हो रही हैं, देख सकते हैं आप। तो जितनी लंबी ये रूट्स होंगी उतने ही बड़े बड़े पत्ते होते जाते हैं, कुछ तो नीचे ज़मीन में पहुंच गई हैं दोबारा से। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए मनी प्लांट का और जब इसकी मिट्टी बनाएं तो उसमें जितनी आप मिट्टी लेते हैं उतना ही सैंड मिलाइए और उतना ही कंपोस्ट मिलाइए, तीनों चीज़ बराबर मिक्स करके तब इसकी मिट्टी बनाइए। तो सारी ही चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।